वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और मेरा नाम है सुहेल तुर्की। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और आज हम नियर अबाउट थर्ड क्लास में हैं जहां हम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने विशाखा दत्ता के बारे में, जो पहली क्लास हमारी थी, कल हमने राजेंद्रा फर्स्ट के बारे में पढ़ा जो कि चोला अम्पायर से बिलोंग करते थे। हम ये सारी क्लासेस करंट इश्यूज से रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इस साल न्यूज़ में रही, उनके क्या कारण थे। और उसमें से आज एक और भक्ति मूवमेंट के एक बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी जिनकी थी और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने एक लोगों को जो टीचिंग और प्रीचिंग दी और उसके बाद जो प्रीच करने के बाद लोगों के अंदर बदलाव आया, आज उनके बारे में बात करेंगे। होपफुली आपने इससे पहले उनके बारे में पढ़ा हो, उनकी किताबों के बारे में भी पढ़ा हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हाल फिलहाल में ही आपको मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी रिगार्डिंग एक प्रोमिनेंट हमारे पर्सनैलिटी रहे थे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। वैसे आप सब लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट और मध्यकालीन के अंदर इन भक्ति मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। दिक्कत कहाँ पे है वो आपको ज़रा फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमारी जो बुक स्टैंडर्ड बुक्स में से डी एन झा हो गए या उपिंदर सिंह हो गए या एन सी आर टी की बुक्स हो गई, और फिर भक्ति मूवमेंट में आप स्टैंडर्ड बुक्स में पूनम दलाल की बुक पढ़ लें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं। कुछ लीडर ऐसे हैं जिनका नाम मेंशन नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। अब दिक्कत ये होती है कि जब करंट अफेयर्स में किसी का नाम आता है तो डेफिनेटली यूपीएससी जो है वो फिर वहाँ से पूछता है। और मुझे वैसे भी उम्मीद है कि आज इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप शायद इनके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। इवन दो आई हैव नॉट स्टार्टेड माई क्लास येट बट आई डैम श्योर अबाउट इट, आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। अब उसके पीछे कारण है कि टीचर कैसे बोल देता है क्लास में स्टार्टिंग में ही कि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, बिकॉज पूनम दलाल की बुक हो या एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हों, एनसीईआरटी इंक्लूडेड हों, तो मैंने वो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और मुझे वहाँ पे बहुत कमी फील हुई। काफ़ी सारी चीज़ों को लेके जो है वो मुझे कमी लगी। अब मैं आप लोगों को आज इनके बारे में बताऊँगा और फाइनली आई विल टेल यू दैट कि क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था या नहीं, वो आप बता सकते हैं। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और ये क्लास क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग। डू रिमेंबर, आज हमारी ये क्लास हो रही है 2 बजे, जो अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पर होगी, लेकिन वो हिंदी के चैनल पर होगी, जहाँ पर मैंने बच्चों को ये कहा है कि दैट वी विल कम्प्लीट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द 43 मिनट्स, या 40 मिनट्स के अंदर अंदर हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। 2 बजे आज ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दैट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड एज वेल एज फॉर यू ऑल। अब ये कुछ इंटरव्यू के टाइम पे क्या होगा वो तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इंडिया बेस्ट एजुकेटर आपको यूपीएससी में मिलते हैं, जिनके साथ आप थ्रू आउट द ईयर अपनी जर्नी को स्टार्ट रखते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन यूपीएससी मेंटर टेलीग्राम चैनल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। एंड यूपीएससी मेंटर के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस और जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं मेरी वो आपको मिलती रहे। याद रखिएगा 4 बजे मैं आपसे मिल रहा हूँ, यहीं पे मिलूँगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर क्लास होगी, जो एग्जैक्टली 4 बजे रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और अपनी असेसमेंट करते हैं कि हम कहाँ पर अभी जो है आगे बढ़ सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से आपको एक मौका मिलता है कि आप कॉम्बो पैक के साथ जुड़ सकते हैं। डू रिमेंबर कि अब इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं
अनलिमिटेड बैच आपको मिलते हैं, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इस फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर आप जोड़ सकते हैं। यू हैव टू पे ओनली 49,500 फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर एंड 3 ईयर, जिनकी बेसिक्स जो है जिनको सही करने हैं। याद रखिएगा कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेसिक्स नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी की तरह से ही 20 फिजिकल बुक भी दी जाएंगी, यानी कि ये बुक आपके घर तक डिस्पैच भी कर दी जाएंगी। अनअकैडमी की तरफ से ये जो बुक्स आपको मिल रही हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें आपको अप टू डेट जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसके साथ साथ अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, यू कैन ज्वाइन विद अनअकैडमी विद अ फ्लेक्सिबल वे से। यू विल गेट अ लाइव क्लासेस, स्टडी मटीरियल, स्टडी प्लान, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड पर्सनल गाइडेंस एज वेल विद आइकॉनिक इन प्लस सब्सक्रिप्शन। डू रिमेंबर दैट प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी मिलती है कि आप कैसे पढ़ते हैं, गाइड आपको मिलता है। तो ये अभी एक बहुत अच्छा टाइम है, और मेरा एक बैच आने वाला है जो 2 मंथ तक मैं पढ़ाऊँगा, 2 महीने तक ये क्लासेस होंगी, जहाँ पे NCERT, NOS, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स रीड हम करेंगे बुक्स के थ्रू। और एथेंटिसिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन इट कम्स टू एथेंटिसिटी, आपने देखा होगा कि मैं बुक को कोट करता हूँ और बुक से पढ़ाता हूँ। सो 2 मंथ के लिए ये कोर्स रहेगा और ये प्लस में आपको मिलेगा, और 2 मंथ के लिए आपकी इंटायर मॉडर्न एंशंट आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड। दैट प्लस एंड आइकॉनिक में आप यूज़ करेंगे मेरा कोड Suhail10। अगर आप चाहते हैं कि सुहेल सर आपको गाइड करे और आप चाहते हैं मेरे साथ रहें, तो दैट्स द बेस्ट टाइम यार। एंड डू रिमेंबर, अगर आप में से कोई बच्चा सिर्फ ऑप्शनल लेना चाहता है तो तब भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, 24,750 1 ईयर तक। और फ्री टेस्ट सीरीज, ये नए बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ली है वो 1 ईयर और 2 ईयर हिंदी, इंग्लिश जिस बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। सो नो बैरियर ऑफ द लेट्स क्रैक इट UPSC। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, और उम्मीद है कि आप अपने नोट्स बनाते होंगे। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा ईजी समझ में आता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ जब मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा ईजी समझ में आता। अब इसके नोट्स बनाने का ये रीज़न है कि एक तो जब ये नोट्स बन रहे होते हैं तो मैं कंसल्ट करता हूँ काफ़ी सारी बुक्स, और उसके बाद जो ये हमारी बुक्स हैं होपफुली इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली न्यूज़ में थे। अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, इनका नाम दादू दयाल है, प्रोमिनेंट संत रहे, बहुत ही बड़े। और याद करिएगा UPSC सबसे ज़्यादा सवाल रिलीजन से पूछता है, और वो भी डिफरेंट सेक्ट आपको पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताना पड़ता है आपको। आज इनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या पूनम दलाल की बुक में और NCERT में मेंशन है कि नहीं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स आपके ठीक कर दूँ। आप सब जानते हैं कि जब हम 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी की बात करते हैं, तमिलनाडु के अंदर एक शुरुआत होती है कि धर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए। इट वॉज बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी, एंड आई होप आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि इमोशनल पोएम के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, डिफरेंट्स या डिवोटीज जो थे, आप उनको नाइनार्स कह लें शिव के, या फिर आप अलवर्स कह लें विष्णु के, इन लोगों, ये संत लोग जो थे, इनका एक मकसद था। ये नहीं था कि खाली सबको हिंदू बनाना है या सिख बनाना है या क्रिश्चियन बनाना है, इनका मेन मकसद था कि एक वर्शिप जो की जाती है, जो भगवान के को मिलाती है एक इंसान के साथ, उसके अंदर जो बैरियर्स खड़े कर दिए हैं लोगों ने कि भगवान उन्हीं को मिल सकता है जो ऊपर वाली क्लासेस हैं, और भगवान को पाने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया था ना, इन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया था वर्शिप करने का सही ढंग क्या है, ये इनका काम था। इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये भगवान चुनिए, जो बाद में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ऑरिजिनली अगर आप देखेंगे तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई थी, साउथ इंडिया में, और फिर उसके बाद 9th सेंचुरी के अंदर आपने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ क्योंकि हो सकता है आपने वो पढ़ा हो। और फिर 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। आज जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडियन सोसाइटी की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो बना पड़ा हुआ है वो रिलीजन को लेके है। हम नहीं चाहते कि लोगों के अंदर इरेशनल थॉट्स आएँ, और ये भी इसी चीज़ की बात करेंगे। और उसी में से एक प्रोमिनेंट लीडर निकल के आए, एक प्रोमिनेंट संत निकल के आए, जिनका नाम दादू दयाल था, द भक्ति मूवमेंट इन 16th सेंचुरी। और कहते हैं कि इनकी जो शुरुआत रही है वो बहुत ही एक बड़ी डाउन टू अर्थ लाइफ इन्होंने जी है।
कुछ चीजें इन्होंने शंकराचार्य से सीखी, कुछ के बाद भी जो पहले पहले जो संत आए उनसे सीखी, और लास्ट पे इन्होंने अपना एक थॉट दिया। वो थॉट आज जरा सुन लीजिएगा और उसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा और उनको बताइएगा जो आज समाज के अंदर भेदभाव क्रिएट करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। आज सबसे ज्यादा जब मैं इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, इधर ऑन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, ये सारी चीजें हमें, कलर, जेंडर, इन चीजों पे देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति मूवमेंट का रिफॉर्म जो हुआ और भक्ति मूवमेंट को आज अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं आज 21st सेंचुरी में, तो हजारों प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। आज इनके बारे में पढ़ाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले शायद मेरी ना पढ़ाओ, जरा इनकी टीचिंग को समझिएगा और फिर सोचिएगा कि हम किस रास्ते पे भटक रहे हैं और इन लोगों ने हमसे क्या कहा था करने के लिए। He was blessed with a spiritual and very great mind, बहुत ही सुलझे हुए spiritual leader, a spiritual personality। एक होता है नॉलेज का होना, आज जैसे हमारे पास बहुत नॉलेज है, विकिपीडिया खोल लें तो नॉलेज, गूगल खोल लें तो नॉलेज, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करवाते। भले ही इनके पास नॉलेज कम थी लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी, डाउन टू अर्थ, जिस भी धर्म के थे दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना इनका कर्तव्य था, यही तो भक्ति मूवमेंट का मेन था। और भक्ति मूवमेंट जब मैंने पढ़ाई थी भी अपने बच्चों को साउथ इंडिया के साइड से, कि किस तरीके से साउथ से ये स्प्रेड होती है नॉर्थ की तरफ, और लोगों के अंदर सच में बदलाव आया भी था, क्या भारत को फिर से एक भक्ति मूवमेंट की जरूरत है आज 21st सेंचुरी के अंदर, देखिएगा। स्टार्टेड बहुत ही अच्छा माइंड, एक माइंड जब मैं बोलता हूं ना, माइंड का मतलब सिर्फ नहीं होता कि नॉलेज होना, एक ऐसा सुलझा हुआ इंसान। स्टार्टेड कंपोजिंग एक वो स्टेंजा जो लिखना शुरू किए उन्होंने, एक पोइम लिखना जो शुरू किए, कि मैंने पहले ही कहा भक्ति मूवमेंट का मेन मकसद था कि लोगों को अपने तौर अट्रैक्ट करना। ज्यूरिंग द 6th सेंचुरी टू टिल 16th सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर जब स्टार्ट होती है, इट रिफ्लेक्ट द इमोशनल पोइम्स, पोइम के थ्रू जो इमोशनल पोइम्स लिखी गई थी उनके थ्रू अपनी तरह कैसे बढ़ाना है, इन्होंने भी वही किया, बहुत सारे कंपोज किए और ये ब्रज भाषा में इस्तेमाल किए गए। अब ये बनेगा प्री का क्वेश्चन, अब ये है आपका प्री का क्वेश्चन यहां पे। ये तो 2 मार्क्स आपके हाथ में है, भाई करंट अफेयर में है, बोलेंगे किस भाषा में इस्तेमाल करके उन्होंने ये किया, ए हिंदी डायलेक्ट्स और ही सेटल्ड इन द जयपुर। अब ये एरिया जो है हाल फिलहाल में ही न्यूज में था, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां पे COVID-19 की वजह से अर्ली मैरिज आपको देखने को मिली, से यस और नो, रिसेंटली न्यूज आई ना कि राजस्थान के अंदर पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा बाल विवाह हुए, और उसके कारण थे क्योंकि सब कुछ बंद था, एनजीओ वगैरह भी बंद थी, और राजस्थान के काफी सारे एरिया से ये रिपोर्ट आना शुरू हो गई। ये वही राजस्थान है जहां पे एक ऐसे स्पिरिचुअल हमारे संत रहे हैं जिन्होंने इसका विद्रोह किया है प्रॉपर्ली। राजस्थान इस बार काफी न्यूज में है, काफी चर्चा में है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको। अब वही कहते हैं ना कि अपने घर में ही जब टीचर होता है लेकिन उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती, इन्होंने उस समय जयपुर में ये सेटल होते हैं और ये नॉलेज देते हैं लोगों को, क्योंकि अगर आप जयपुर और राजस्थान को लेंगे तो कल्चर में ये सबसे आगे हैं, ये अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं। आज भी अगर आप इनको देखेंगे तो इनका कल्चर वैसे का वैसा ही है, या आज भी अपना वो जो कपड़े लगाने का ढंग है वैसा ही है। लेकिन रिसेंटली जब हमें ये न्यूज़ आई तो उसके बाद हमें ये लगा कि इन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, स्कूल्स में बच्चों को इनके बताने की ज़रूरत है, इनकी टीचिंग को स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो राजस्थान से बिलोंग करते होंगे, जयपुर से बिलोंग करते होंगे ना, जब वो इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं ना तो उनसे पूछा जाता है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर उस स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि वो किस चीज के लिए फेमस है। राजस्थान ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज सिंपल टीचिंग। आजकल हम लोगों को अगर आप देखेंगे, हमें बहुत कुछ बोला जाता है, मैं तभी कहता हूं कि एक टीचर को बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा ऊट पटांग स्टार्ट कर दिया, बहुत टफ पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो बच्चा मना कर देगा, कहेगा कि नहीं सर, नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत थक चुका है, इतना कंटेंट, ये वो, बड़ा सिंपल से समझाओ। और सिंपल समझाने से पहले ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, और इन्होंने भी वही किया, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे संत आ चुके थे।
इन्होंने जो अपनी जिंदगी में एक चीज अपनाई ना, सिंपल टीचिंग थ्रू दिस सॉन्ग अमंग द कॉमन, वही ना पोएम लिखने का ढंग। मैं वही चीज आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं कैसे रीच कर सकता हूं आप तक, मुझे क्यों बच्चा देखे, मेरे से ही क्यों पढ़े। तो फिर कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद मे भी मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाने वाले होंगे, इवन दो बहुत अच्छे हैं जो 20-20, 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं, देन वाई सुहेल, कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूँ। तो फिर मुझे ये चीज़ लगती है कि क्या मैं अपने टीचिंग पैटर्न में थोड़ी सी चेंज ला के एक चीज़ करूँ, सिंपल बना दूँ, बच्चे की जो नीड है वो पढ़ाऊँ रेदर देन जो अपनी नीड है वो नहीं। और दूसरी चीज़ मेन काम मेरा ये है कि सुहेल एथेंटिसिटी तुम्हारे पास कितनी है। अगर तुमसे बच्चा ये पूछता है कि ये कहाँ पे लिखा है, तो क्या तुम्हें पता है ये कहाँ पे लिखा हुआ, क्या आप इसको करंट के साथ अपडेट करते हो सुहेल। सो ये एक आपको भी अपने आप को पूछना, जब हम लोगों के अंदर वो ये लगता है ना कि दुनिया की नॉलेज मेरे पास है और दुनिया में अगर कोई हूँ तो मैं हूँ, और वो इंसान को ख़त्म कर देता है। दैट्स वाई ही स्टार्टेड अ सिंपल टीचिंग, क्योंकि इनसे पहले भी बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके थे, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ही सब नॉलेज है। सी दिस सिंपल टीचिंग विद दिस कॉमन, वो सॉन्ग के थ्रू लोगों को सिखाया गया, क्योंकि सॉन्ग आपको इंट्रैक्ट नो अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। सिंपल टीचिंग देखिए क्या है, प्रोमोटेड जो आज हमें चाहिए, लव। पहला काम बोला कि आए मोहब्बत करते हैं। अब इसकी जरूरत आपको नहीं लगती है कि आज है, ये खाली राजस्थान की जरूरत नहीं है, ये पूरे विश्व की जरूरत है। उससे पहले भी लव की बात की गई है, वो शंकराचार्य हो या कोई भी हो, क्योंकि उस समय जब हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इवल्स आ चुके थे तो उस समय भी यही बात की गई। सिंपल टीचिंग है भाई, कोई ज्यादा तो है नहीं, बोलते हैं कि प्यार करिए। अब ये प्यार में कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि रिलीजियस पीसिट पे होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि सच्चाई ट्रुथ, जो गांधी जी ने भी बात की, इससे पहले भी जो आए उन्होंने भी ये बात की कि ट्रुथ जो है, अगर आप सच्चाई पे है ना भाई, अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मे भी आपको कुछ समय तक अपना आप ये लगे कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, जो गांधी जी ने कहा था, याद करिएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रही थी ना, तो गांधी जी ने जब मिल स्ट्राइक स्टार्ट की तो गांधी जी ने वर्कर से पूछा था आप मेरे साथ हो, तो दे सेड हाँ सर हम आपके साथ हैं, आप बैठिए, और गांधी जी ने मिल स्ट्राइक शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद जब गांधी जी ने पीछे मुड़ के देखा तो जितने भी लोग थे आहिस्ता आहिस्ता वो भागना शुरू हो गए, तो कुछ चंद लोग बचे और उन्होंने गांधी को कहा कि गांधी जी सब चले गए, अब तो कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी ने तब उनसे ये कहा था कि मैं सच्चाई पे हूं और मैंने पूरा असेसमेंट किया है कि आप लोगों के साथ गलत होता है, क्योंकि ये कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये आपका पैसा ले रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूं, और सच्चाई को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक हूं और जीत मेरी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोग भी थे ना वो भी चले गए, बाद में गांधी ही बचे थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई, ट्रुथ। लेकिन इसमें समय लगता है, और वही चीज ये कहते हैं, आज जब 2 बजे की क्लास होगी तो मैं गांधी जी के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ एग्जीक्यूट किया है, बाकी सारी चीजें गांधी जी ने बाकी लोगों से ही मांगी। उसके बाद जो बात है यूनिटी की, इस यूनिटी की बात आपको 6th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक हर एक जितने भी हमारे संत रहे, वो शंकराचार्य रहे हों, वो गुरु नानक रहे हों, वो आपके जितने भी प्रोमिनेंट हमारे भक्ति मूवमेंट में आए, सब ने यही यूनिटी की बात की। भारत के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी पाई जाती है, अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करें, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने जब क्लास ली तो मैंने कहा था कि इंडिया के ऊपर रूल जो हुआ है, वो आप एंशियंट हिस्ट्री का देख लें, वो मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर देखें, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एक ही चीज़ की कमी थी, यूनिटी की। सब अपने लिए लड़ रहे थे, और फिर ये यूनिटी के लिए हम लोगों को भक्ति मूवमेंट में बताया एक साथ रहो। देश कभी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, और यही फिर यूनिटी हमने क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भी किसी से सीखा होगा, आज भी इसी यूनिटी की ज़रूरत है, जब पेंडेमिक है या बहुत सारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं। सिंपल टीचिंग है भाई, इन्होंने कुछ नहीं बोला है, राजस्थान के अंदर ही बोला था, सबको अपनाने के लिए बोला है, और फिर बात की उन्होंने ब्रदरहुड की कि आप सब आपस में भाई हैं, आप मैं जितने भी, ब्रदरहुड होगा तो भाई आगे बढ़ोगे,
नहीं होगा तो कोई ना कोई आपके ऊपर आके रूल करके चला जाएगा। इस चीज़ की कमी है आज, ये मान के चलिएगा। और प्लस ह्यूमन वैल्यू, इंसान की वैल्यू, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है, ह्यूमन वैल्यू खत्म हो गई। देखते देखते पता चला इंसान इंसान रहा ही कहाँ। बड़ा दुख होता है जब कभी न्यूज़ आती है और पता चलता है कि अपने ही पराए निकले। परायों से तो शायद बच सकते थे, अपनों से कैसे बचेंगे। और ये भक्ति मूवमेंट की सबसे बड़ी चीज़ थी, ह्यूमन वैल्यू। और रिलीजन भी आपको यही चीज़ सिखाता है। और इन संत लोगों ने हमें ये सिखाया था। आज जब आप संत से मिलेंगे तो ज़रा देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड ही रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ आइडल वर्कशिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ। ये चीज़ आप राजा राम मोहन राय को याद कीजिएगा, जो कि स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में दिया है। और इसी चीज़ पे शायद उनके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि आइडल वर्कशिप नहीं करो, क्योंकि जितनी आप आइडल वर्कशिप करेंगे उतने प्रीस्ट पावरफुल होते जाएंगे और वो आपको सेक्रीफाइस करवाते जाएंगे और आप इसमें डूबते चले जाएंगे। आपके भगवान को आपके सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ है, अगर आप रास्ते चलते हुए एक पत्थर को भी साइड कर देते हो ना, तो भगवान को वो भी पता है, मन के अंदर क्या सोच रहे हैं वो भी पता है। इसके लिए बीच के बंदे की जरूरत नहीं है। एंड ही वेरी सिंपली ही रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ आइडल वर्कशिप। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये जरा ये है, ये 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में काफी सारे जो है हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपनाया। उनके मुताबिक एक क्रिएटर की, एक क्रिएटर को आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएटर बन चुका है, उसको किसी ने नहीं देखा है। और जब उसको नहीं देखा है तो उसकी आप पिक्चर नहीं बना सकते, उसको आप पूज नहीं सकते। ये इन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है। होपफुली अगर आपको इसकी अथेंटिसिटी चेक करनी होगी तो आपको पेज नंबर भी मैं बता दूँ। शायद पूनम दलाल की बुक में इतना नहीं दिया है इनके बारे में। मैं तभी कहता हूँ कि जब करंट में कोई चीज़ आती है ना, तो जब मैंने पढ़ा उसके बाद इनकी ज़रा टीचिंग की बात करें, क्या बोलते हैं ये। सबसे पहली चीज और जो आपको यूपीएससी में भी चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्योर आइडियाज। आइडिया एक ऐसी चीज है जिसको गांधी कहते हैं आइडियलिज्म। गांधी को आइडिया के लिए सबसे बड़ा महान कहा गया। सबसे पहली चीज आपके मन में और दिमाग में जो आती है ना, वो आइडिया आता है। अगर आपके आइडिया में कोई प्रॉब्लम है, चोर चोरी करने से पहले पूरा प्लान बनाता है। मीन्स अगर वो प्लान ना बनाता तो चोरी ना करता। अपने आइडियाज को चेंज कीजिए और प्योर रखिए। प्योर तभी हो पाएंगे जब आपका मन प्योर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर जो होता है तो आप जानते हैं। प्योर आइडियाज एंड डेडिकेशन टू द गॉड। भगवान को पूजने के लिए क्यों पूज रहे हो, पहले तो ये भी सवाल होना चाहिए ना। आप जो आइडिया लेके अंदर जाते हैं भगवान के पास, वो नमाज पढ़ें, मंदिर के अंदर जाएं या गुरुद्वारे के अंदर जाएं, पहले ये तो देख लो कि समाज में तुम्हारी वजह से नेबर कितना तंग है, तुम्हारी बातों से कितने कोई दिल टूट चुके हैं, और तुम मंदिर में क्या कर रहे हो। भगवान कहते हैं ना समाज के लिए, हमें भगवान ने प्रिपेयर किया है सोसाइटी के लिए। मेरे पास बहुत नॉलेज है लेकिन मैं देना नहीं चाहता किसी को, उस नॉलेज को मैं क्या करूं। अगर भगवान ने भी यही कहा होता कि भाई सब कुछ मेरे पास है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं ऑक्सीजन आपसे छीन रहा हूं, मैं बारिश भी नहीं करूंगा, मैं सूरज को बहुत नीचे लेके आ जाऊंगा, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। सो इसलिए आपके आइडियाज पहले प्योर कर लो, फिर मंदिर मस्जिद चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। दिल साफ होंगे तो उस भक्ति करने का ना आनंद ही कुछ और होगा। अब यहां पे क्या कहते हैं वो, प्योर आइडियाज एंड डेडिकेशन टू गॉड एज द ट्रू रिलीजन, वो बनेगा रिलीजन, नहीं तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुन लीजिएगा, आप मेरे पीछे नहीं पड़ जाइएगा कि सुहेल सर ने बोला था। किस धर्म की बात करते हैं आप? सच्चे धर्म को ढूंढना चाहते हैं ना। सच्चा धर्म यहां है, जिस धर्म के अंदर आपके पास ये चीजें हैं। अगर आपके मन में और दिमाग में गंदी बातें हैं ना दूसरे लोगों के खिलाफ, भले ही वो आपके धर्म से नहीं है, आपका रिलीजन फिर ट्रू नहीं हो सकता। क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म से बैद रखें आप। आई लव ईच एंड एवरी रिलीजन एंड एवरी ह्यूमन बींग, बिकॉज मैं जानता हूं कि अगर मेरे मन के अंदर मैल आ गई और फिर मैं मस्जिद के अंदर चला भी गया तो उन सजदों करने से कोई फायदा नहीं है। और उसमें इकबाल एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर न कर दें इकबाल, तो झुकता कहीं हो रहा है और सोचता कहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो नमाज पढ़ रहा बंदा है ना, वो बहुत ही बड़े गुनाह कर रहा है। अल्लाह कहता है कि पहले सुधर जा,
और भगवान के सामने जब आप मत्था टेकते हैं तो यही सब सवाल। अब क्लियर है बेटा? यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर नेट में कोई दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो आपके अंदर पेशेंस लेवल होती है? मतलब कभी दिक्कत हो जाए नेट में तो एक पेशेंस होती है एक बच्चे के अंदर कि हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। और यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल मांगा जाता है। अब आप लोगों को आपके अंदर है नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं बेटा? और इंटरनेट को लेकर तो मैंने पहले भी बताया डिजिटल चीज़ें जो हैं उनमें कभी कभी दिक्कत हो सकती है। क्लियर है ना आप सब बेटा? अब क्लियर है ना बेटा? तो दिक्कत किस बात की? अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा? अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर जो अभी तक हमने पढ़ा? ओके चलिए यार कोई बात नहीं। और बीच में कभी दिक्कत हो तो कोई मसला नहीं। जब मैं हम लोग आर्टिफिशियल रिलीजन के ऊपर बात कर रहे थे, अब भाई ये बात समझ लीजिएगा कि ये अगर आप पूनम दलाल की बुक में भी ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगा, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये मेंशन नहीं है, प्लीज़ तो फिर ये करंट से ही कर लीजिएगा। ठीक है, करंट में है तो देख लीजिएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप प्री का क्वेश्चन पूछूंगा। सर आपको इसलिए बताया था कि आप पढ़ाते पढ़ाते रुक जाएं। क्लियर है बेटा? थैंक यू। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और चीज जो उन्होंने हमें कही, अब यहां से प्री का क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। इन ब्रीफ एज ए सन ही प्रेजेंटेड ए सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ भक्ति एंड रिलीजन इन हिज टीचिंग। इनके टीचिंग के अंदर हम लोगों को एक प्योर टाइप की भक्ति देखने को मिली और एक प्योर टाइप का रिलीजन भी देखने को मिला। प्योर रिलीजन भी और प्योर टीचिंग भी। आप प्योर रिलीजन कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसमें अगर आप सही है ना, रिलीजन तो सारे वैसे अच्छे हैं, आपकी सोच अगर सही है तो वो प्योर रिलीजन है आपके लिए। फिर इसका मतलब है कि भक्ति मोमेंट में वो जो कहने की कोशिश कर रहा है ना, वो आपको ये कह रहा है कि आप बदलो, धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है, धर्म बन चुका है। आप जो धर्म में आप चेंज ला रहे हो ना, आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बदलेंगे तो प्योर रिलीजन आपके सामने आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अबाउट 5000 वर्सेस इन्होंने कंपोज किए हैं, सॉन्ग्स कंपोज बाय दादू। आप यहां पे प्री का क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा प्लीज। सॉन्ग कंपोज बाय दादू वेयर कंपाइल्ड बाय, जिसको कंपाइल करते हैं यानी कि वो तो लिख देते हैं, कंपाइल जो किया था वो रजब ने किया था। ये याद रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा भाई। कंपाइल करने का काम इन्होंने किया है। एंड हिज डिसिपल अंडर द नेम ऑफ, जो उनकी बुक बनी और कंपाइल जो कंपोज किया हमने, जो कंपोज करने के बाद ये सारा कुछ जो बना उसको हम कहते हैं दादू अनुभव वाणी। वाणी सिंपली मीन्स जब कोई अपने विचार देता है, अनुभव जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। एंड दादू भाई अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इट्स अ ब्रदरहुड एज अ स्पिरिचुअल। गॉट माय पॉइंट? सो ये पूरा कंपाइल किया गया है। प्लीज ये 2 मार्क्स, इनकी सारी जानकारी हमें यहां से मिलती है कि बुक के थ्रू। एंड दादू ऑल्सो लॉन्चेड ए मूवमेंट, एक मूवमेंट इन्होंने की निपाक, याद रखिएगा। इस मूवमेंट के द्वारा राजस्थान जयपुर या बाकी के जो लोग थे उनको एक सही वर्शिप करने का तरीका, एक सही ढंग, एक भगवान को पाने का तरीका कैसे हो सकता है। मोक्ष एट दैट टाइम द पीपल वर डूइंग लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस,
The entire teaching were based on the irrational thoughts. He did wonderful job. बहुत wonders किए इन्होंने. And he also founded a Brahma sect in the Rajasthan. और उसी राजस्थान के अंदर आज जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे देखने को मिलती है, यही राजस्थान में मुझे ये पता चलता है कि COVID-19 में ये सब कुछ हुआ. इसी राजस्थान में मुझे आज भी पता चलता है कि बहुत सारी जगह लोग जो है अपने धर्म को लेके, धर्म की आड़ में एक दूसरे को सताते हैं. मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसा संत रहा है, उसी को पढ़ के भी आपकी अपनी ज़िंदगी बदल सकती है. लास्ट एंड फाइनली आई बिलीव कि अगर हम लोगों को मेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लें, क्या ये बन सकता है? अगर हम मेंस के आंसर में जाते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ भक्ति टीचिंग, किस तरीके से भक्ति टीचिंग विल हेल्प इन द हीलिंग अ करेंट सिचुएशन. क्या आप मानते हैं जो भक्ति मोमेंट है उससे आज करेंट सिनेरियो, यानी कि आज की बात कर रहा हूँ, 21st century की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आज जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हाउ भक्ति टीचिंग विल हेल्प इन हीलिंग द करेंट सप्रेसेड क्लास, जो बिल्कुल नीचे वाली क्लास है, जिनको सताया जा रहा है, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. आप मानते हैं कि क्या अगर हम भक्ति मूवमेंट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें तो ये सप्रेसेड क्लास है ना, ये उड़ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी. एंड एट द सेम टाइम ए डीप रूटेड चेंज आएगी. एक होता है कि अपर रूटेड चेंज, सिर्फ ऊपर ऊपर से चेंज नहीं, ए डीप रूटेड चेंज आएगी पूरी तरीके से. कास्ट खत्म, क्लास खत्म, डिस्क्रिमिनेशन खत्म, जेंडर गैप खत्म, ये सारा जो मसला बना पड़ा हुआ है सब खत्म हो जाएगा. और डीप रूटेड यानी कि उखाड़ के रख देंगे, जड़ें ही निकल जाएंगी. ए डीप रूटेड चेंज ले द फाउंडेशन ऑफ लिबरल इंडिया. एक ऐसा भारत बनेगा जो बिल्कुल आजाद होगा. आजादी होना और विचारों के आजाद होने में बहुत अंतर होता है. फाउंडेशन ऑफ ए लिबरल इंडिया जस्टिफाई विद ए सूटेबल एग्जाम्पल इन 200 वर्ड्स. यानी कि भक्ति मूवमेंट को आज के तौर पे आप कैसे देखते हैं कि क्या हम सप्रेसेड क्लासेस को ऊपर उठा सकते हैं, और अपरूटेड यानी कि पूरी तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम की जड़ों को ही निकाल देंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो बिल्कुल लिबरल होगा. और मुझे उम्मीद है, मैं इवन दो आई बिलीव वेरी वेरी, मुझे ये लगता है कि यस ऑफ कोर्स इस टीचिंग को इंप्लीमेंट करके देखें आप, बिल्कुल नफरतें खत्म, ब्रदरहुड, यूनिटी जिसकी जरूरत है आपको लाओ, और सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी. और ये जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, और यूपीएससी एनालिटिकल सवाल में इसी तरीके से पूछता है. सो थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. सी यू एग्जैक्टली एट 2 PM ऑन हिंदी के चैनल पे हम मिलेंगे, और जहाँ पे हम लोग 40-45 मिनट की क्लास होगी, जहाँ पे आज मास मूवमेंट की बात करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग क्लास रिगार्डिंग फ्रॉम 1857 टू टिल 1947 तक, उन सब की बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक मास मूवमेंट की तरह मिलके आज़ादी की ओर लिया. दैट विल ऑल्सो इन द करेंट अफेयर. सब जानते हैं कि दोनों जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो करेंट बेसिड ही क्लासेस हो रही हैं. एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो क्लासेस 2 बजे हुआ करती थी उसकी टाइमिंग शिफ्ट कर दी गई है. कल से जो क्लास होगी एग्जैक्टली 10 AM होगी, और वो लेट्स क्रैकेट हिंदी के चैनल पे होगी, लेकिन टाइमिंग जो है वो चेंज रहेगी और 10 बजे वो क्लास होगी, और इस क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी. और फिर मिलेंगे 4 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास में, जहाँ पर हम नियर अबाउट 30 या 35 क्वेश्चन करते हैं प्री के रिगार्डिंग, उन बच्चों के लिए जो 2021 और 2022 और 2023 जो भी प्रिपेयर कर रहा है. ज़रा देखिए UPSC किस तरीके से हमसे सवाल पूछता है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. सूनर और लेटर यू ऑल आर गोइंग टू बी IAS ऑफिसर. डू रिमेंबर माय कोर्स इज अबाउट टू स्टार्ट फॉर द प्लस कोर्सेज, जहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री में करवा रहा हूँ. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू जॉइन द अनअकैडमी. यूज़ माई कोर्स विल टेन टू गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट. एंड इफ यू वॉन्ट मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटर रहूं, और अगर आपको कोई भी जानकारी मेरे द्वारा चाहिए, तो आप UPSC मेंटर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे. और सी यू 2 PM. टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.